आप सभी को नमस्ते। मैं अमित एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एरोंस का पी सीरीज एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है P7000। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एम्पलीफायर के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम P7000 इस एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। इस एम्पलीफायर का क्लास एच स्टेज 2 है, डंपिंग फैक्टर ग्रेटर देन 300 है। ये एम्पलीफायर 3250 वाट का है। तो आइए इस एम्पलीफायर के बारे में हम जानते हैं। इस एम्पलीफायर का आउटपुट पावर 8 ओम पे 800 वाट पर चैनल, 4 ओम पे 1350 वाट पर चैनल, 2 ओम पे 1625 वाट पर चैनल, ब्रिज मोड में 8 ओम पे 2700 वाट, 4 ओम पे 3200 वाट आउटपुट मिलता है। SNR ग्रेटर देन 108 dB है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इसका वजन 24.6 किलो है। ये एम्पलीफायर का फ्रंट ग्रिल, इसका एयर फ्लो पीछे से आगे की तरफ होता है। पावर ऑन ऑफ स्विच, चैनल ए का गेन नॉब, चैनल बी का गेन नॉब, चैनल ए और बी का LED इंडिकेटर। यह एम्पलीफायर BIS सर्टिफाइड है। पावर कॉर्ड, चैनल ए का XLR और P38 जैक इनपुट, चैनल बी का XLR और P38 जैक इनपुट, चैनल ए का क्रॉसओवर सिलेक्शन स्विच, चैनल ए का फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट नॉब, चैनल बी का क्रॉसओवर सिलेक्शन स्विच, चैनल बी का फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट नॉब, YVS प्रोसेसिंग ऑन ऑफ स्विच, मोड सिलेक्शन स्विच, चैनल ए का स्पीक ऑन आउटपुट, चैनल ए का P38 जैक आउटपुट, चैनल ए का बाइंडिंग पोस्ट, चैनल बी का स्पीक ऑन आउटपुट, चैनल बी का P38 जैक आउटपुट, चैनल बी का बाइंडिंग पोस्ट। ये है एम्पलीफायर का इंटरनल व्यू। इसमें हाई ग्रेड हेवी ड्यूटी कॉपर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है। इसमें 6 हाई ग्रेड ऑडियो कैपेसिटर इस्तेमाल हुए हैं, जिसका वैल्यू 80 वोल्ट 10,000 MFD है। इसमें हर एक चैनल के लिए तोशिबा ब्रांड्स के 11 पेयर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं P7000 इस एम्पलीफायर का बैक पैनल कैसे यूज़ करना है। बैक पैनल में सबसे पहले आपको क्रॉसओवर सेक्शन मिलता है। इस क्रॉसओवर सेक्शन में आपके दो अलग अलग चैनल्स के लिए दो अलग अलग स्विच मोड मिलते हैं, जिसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, जो सबसे पहले है लो कट, दूसरा सबवूफर और तीसरा ऑफ। उसके नीचे ही है YVS प्रोसेसिंग ऑन ऑफ स्विच। इसे ऑन करने से बेस और HF का रिस्पॉन्स बूस्ट होता है। उसके नीचे ही मोड सिलेक्शन स्विच है, जिसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, स्टीरियो मोड, ब्रिज मोड और पैरेलल मोड। आप आपके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आते हैं क्रॉसओवर सेक्शन की तरफ। अगर आप सेटअप के लिए अलग से क्रॉसओवर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्रॉसओवर सेक्शन के ये दो चैनल के मोड जो है, ये आपको हमेशा ऑफ रखने हैं। अगर आप इस एम्पलीफायर का इंटरनल क्रॉसओवर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका यूज कुछ इस तरह से होगा। डेमो के लिए हमने चैनल ए पे जो है टॉप लगाया हुआ है, और चैनल बी जो है बेस कनेक्शन किया हुआ है, यानी कि बेस लगाया हुआ है। अगर आप टॉप को, यानी चैनल ए पे अगर आपने टॉप कनेक्शन किया हुआ है और उसे आप ऑफ मोड में रखते हैं, तो आपका चैनल ए जो है फुल रेंज में बजेगा। कुछ इस तरह से हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। कुछ इस तरह से आपकी टॉप लाइन जो है वो स्विच मोड ऑफ रखने से फुल रेंज में बजेगी। लेकिन अगर हम इसको लो कट में सेट करते हैं, कुछ इस तरह से, हमने अभी जो मोड जो है लो कट कर दिया है,
अभी हम आपको प्ले करके दिखाते और ये जो नॉब जो है वो जो है ओपन करके दिखाएंगे, तो आप सुनेंगे कि चेंजेस क्या आते हैं। हम एक बार आपको प्ले करके दिखाते हैं वापस। जैसे आपने सुना, हमने लो कट पे मोड करने के बाद जब भी हम इस नॉब को 100 से 125 हर्ट्ज के बीच में अगर काटते हैं तो आपके टॉप में से जो है लो फ्रीक्वेंसी कट हो जाती है और आपका मिड और एचएफ बहुत अच्छी तरह से और स्ट्रांगली बजता है। कुछ इस तरह से लो कट का यूज़ होगा। अभी इस नॉब को मैं डाउन कर देता हूँ यानी बंद कर देता हूँ। अभी हमने चैनल बी पे जो है सबवूफर कनेक्ट किया हुआ है तो हम इसको सबवूफर मोड में ऑन कर देते हैं। सबवूफर मोड सिलेक्ट करने के बाद हम आपको ये प्ले करके दिखाते हैं, ओनली बेस सुनाएंगे, आप सुनेंगे कि क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे कि हमने चैनल बी पे सबवूफर मोड ऑन कर दिया और हम इस नॉब को 100 से 125 हर्ट्ज़ के यानी 100 के 125 के बीच में अगर लेके जाते हैं तो आपका बेस जो है बेस में एक तरह की वूमिंग आ जाती है और आपका बेस जो है लाउडली और लाउडली बजता है और बूमिंग से बजता है। कुछ इस तरह से आपको इस क्रॉसओवर सेक्शन का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को एरन्स के कोई भी प्रोडक्ट का डेमो या फिर वीडियो देखना पसंद करेंगे तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।